Hi friends, welcome to my channel. After a very long gap, I am once again here with a new video on hand stitching, and this hand stitch is called chain stitch. So let's begin. जब आप स्टार्ट करेंगे इस स्टेज को तो पहले आपको कुछ ऐसे सैम्पल्स ड्रॉ करना पड़ेगा एक सरफेस पे, जो कि मैं जो स्टिच कर रही हूँ ये एक वाइट प्लेन क्लॉथ पे कर रही हूँ, और मैंने कुछ ऐसा फ्लावर सैम्पल्स मैंने ट्रेस किया है प्रोमिनेंटली, मतलब ये आपको ट्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जो स्टिच आप बनाएंगे वो पूरा उस जिस तरह से आप वो ट्रेस करेंगे उसी मार्क के हिसाब से ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स ऐसे अवेलेबल होता है मार्केट पे, और अलग अलग स्टिचेस के लिए अलग अलग ऐसा सैम्पल बुक्स आपको मिलेंगे, सैम्पल ड्राइंग बुक्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको नॉट ओनली फ्लावर्स सैम्पल्स मिलेंगे, बहुत सारे लाइक बर्ड्स, लाइक बॉर्डर्स और डिफरेंट स्टिचेस लाइक कांठा स्टिच, चेन स्टिच, ऐसा बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा बुक्स हैं जो कि मैंने पहले बुक फेयर से ख़रीदी थी, कुछ कलेक्शंस मेरे पास है। और ये जो ड्राइंग बुक्स हैं वहाँ से आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ से सैम्पल लेके आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने बहुत ही सिंपल एक फ्लावर ड्रॉ की है, और इसके लिए मैंने एक ऐसा रिम लिया है जो कि बैम्बू से बनाया हुआ है, और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 20 to 30 रुपीज़ के बीच में आपको ये मिल जाएगा। और इसका इस फ्रेम को लेने का मेन मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा है कि ये रिम आपको जो सरफेस है जो आप क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करेंगे उसको टाइट करके रखता है, और इसको यूज़ करने से मतलब आसान होता है, और आपका जो स्टिचेस है वो भी मतलब आसानी से आप कर सकते हैं। इसीलिए एक फ्रेम लेना, प्रॉपर साइज़ का एक फ्रेम लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने ये बहुत ही सिंपल फ्लावर मैंने ड्रॉ की है, और मैंने वाइट सरफेस लिया है, वाइट क्लॉथ यूज़ किया है, और मैं एक मीडियम साइज़ का मुझे एक सुई लेना है, और वाइट के ऊपर थोड़ा प्रोमिनेंसी और थोड़ा क्लियर मतलब विजन के लिए मैं पर्पल कलर की ये धागा यूज़ कर रही हूँ, और ये उलन धागा है, जीरो प्लाई उल से मैंने यूज़ किया है, जीरो प्लाई उल मैंने यूज़ किया है ताकि जल्दी मेरा सिलाई ख़त्म हो जाए, और उसका जो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का ये धागा है जो आसानी से ऐसा ब्रेकेज नहीं होगा, और जो बिगिनर से मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि वो जो जीरो प्लाई उलन जो मटेरियल का धागा मिलता है, ऐसा पूरा थ्रेड का ऐसा बंडल मिलता है, वो यूज़ करें, और वाइट के ऊपर पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन, और आपका मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखिए मैंने स्टार्ट कर दी है, ये सिलाई पूरा स्टार्ट कर दी है, किस तरह से मैंने पहले मैंने वो फ्लावर का जो बीच वाला जो सेंटर पोर्शन है वो मैंने फर्स्ट स्टिच करने के लिए ट्राई की है, आप देखते रहिए। फर्स्ट स्टिच मेरा हो गया है, सेकंड स्टिच में जो फर्स्ट चेन मैंने बनाया उसके अंदर से मैंने स्टार्ट की है, ये मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीका मैं दिखाऊंगी, फर्स्ट में ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, आपके लिए जो इजी अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको हो सके, तो इसके लिए मैं एक दूसरा प्रोसेस सोच के रखी हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप देखिए इस तरह से हम सिलाते रहेंगे, और जो मैंने बॉर्डर लाइंस बनाया है फ्लावर शेप मैंने जो बनाया है पेन से, जो मैंने ड्रॉ की है, बिल्कुल उसी निशान को मतलब उसी निशान के हिसाब से ही हम ये स्टिचिंग करते रहेंगे।
देखिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान स्टिच है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको आपको पूरा आप स्किल हो जाएंगे इसमें। और मैंने भी फर्स्ट मैंने जब स्टिचिंग स्टार्ट की, मैंने चेन स्टिच से ही ये स्टार्ट की है। आप देखिए भी वो जो सेंटर वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म होने को है। आप ध्यान से देखिए जहाँ एक चेन मैंने बना ली है, तो फर्स्ट चेन से सेकंड चेन तक जाने के लिए हमें फर्स्ट चेन के अंदर से वो सुई को मतलब निकालना पड़ेगा। आप देखिए, देखने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। बस ये राउंड ख़त्म हो गया है। तो मैं जो आपको बता रही थी कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ अलग सोच के रखी हूँ, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ से स्टार्ट करके दिखाएंगे। स्टार्टिंग यहाँ से होगा, आप देखते रहिए मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएगा कि उसको कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, ठीक है। तो फिर से मैंने यहाँ पर फ्रेम फिक्स कर ली है ताकि ये जो मैंने एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ है वो मतलब पूरा स्टेबल रहे, इसके लिए मैंने ये लिया है। और ये एक ये जो हुक आपको दिख रहा है, ये स्क्रू है एक्चुअली। ये स्क्रू आपको फ्रेम टाइटनिंग के लिए और लूज़ करने के लिए होता है। आप आपके कन्वीनियंस से ये आप टाइट भी कर सकते हैं और ढीला भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। फिर से आपको सुई में वो धागा डाल के आपको एम्ब्रॉयडरी का जो बैक साइड है, जहाँ मतलब जहाँ मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बिल्कुल नीचे से आपको ऊपर तक वो नीडल आपको निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो धागा रखिए और उसके बाद ऊपर से सुई इस तरह से लेके हाँ आगे आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो धागा था वो सुई के ऊपर से आप ऐसे मोड़ लीजिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचिए। धीरे धीरे खींचिएगा, ज़्यादा टाइट मत करिएगा। ये फर्स्ट चेन मेरा ख़त्म हो गया है। सेकंड वाला चेन हम फर्स्ट जो चेन है उसके अंदर से ध्यान से देखिए उस चेन का हम अंदर से लाएंगे। अंदर से यहाँ से आपको बाहर निकालना है। पूरा उसी लाइन को आपको ध्यान रखना है, पूरा उस जो लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बाहर की तरफ आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद धागा फिर से सुई के ऊपर से लेफ्ट टू राइट आप ऐसे मोड़ लीजिएगा और धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ खींचिएगा। ये सेकंड चेन हो गया है और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके ये चेन बनाऊंगी ताकि आपको आसानी से आपको समझ आ जाए। कि आप देखिए थर्ड वाला चेन मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से आप बाहर की तरफ निकालिएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो धागा है आपके पास उसको राइट की तरफ आप खींचिएगा, लेकिन सुई के ऊपर से, और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ खींचेगा। ये थर्ड चेन भी बन गया है। तो आप इसी हिसाब से आप ध्यान दीजिए मेरे सिलाई के ऊपर, तो तभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसीलिए आप देखते रहिए।
अभी तीन चेन हो गया है, हम फोर्थ चेन की तरफ जाएंगे। इसी हिसाब से हम बनाते रहेंगे। आपको पूरा ध्यान देना है कि सभी जो चेन आप बनाएंगे, जितना भी आप चेन बनाएंगे, सभी को इक्वल साइज़ में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है ताकि आपका सिलाई देखने में खूबसूरत लगे, और इक्वल साइज़ होने से खूबसूरत लगेगा। और आपका जो मतलब, अगर आप ये मार्क ध्यान करके रखेंगे, जो आपने लाइन लगाया है वहाँ पर, जो भी आप लाइन, जैसे भी आप बॉर्डर लाइन लगाइए, आप फ्लावर शेप बनाइए, आप एनिमल्स और बर्ड्स का आप ये लगाइए, मार्क लगाइए, जो भी लगाइए, उसी मार्क के हिसाब से ही आपको ये सिलाई करना है। ठीक है, तो हम लगभग ये पूरा सीधा लाइन जा रहा है ऊपर, आप देखते रहिए, मैं थोड़ा जल्दी से आगे लेके जा रही हूँ। बस हो गया है, वो वाला ख़त्म हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे वो फ्लावर के जो मार्क्स हमने बनाया है, जो निशान हमने बनाया है यहाँ पर, जो वो हम स्टार्ट करेंगे अभी। अभी यहाँ से हम फ्लावर पेटल्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद वो समझ में आ गया होगा, वो जो लाइन मैंने बनाया वहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, और किस तरह से उस निशान को ध्यान में रख के सिलाई को आगे ले जाना है। तो यहाँ पर जो जो मार्क्स मैंने बनाया है, बिल्कुल उसी मार्क को मतलब ध्यान में रख के ही मैं सिलाई कर रही हूँ। आपको ये सिलाई आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सिलाई खूबसूरत बनेगा। बिगिनिंग में थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, मतलब सभी इक्वल साइज़ में आपका सिलाई नहीं बन पाएगा शायद, मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरा एक्सपर्टीज आपको मिल जाए। आप धीरे धीरे दो तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार आपको पूरा आप स्किलफुल आप बन जाएंगे। तो हाँ, आप देखिए ये एक पैटर्न तो ख़त्म होने को है, हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। हम इसे फिर से हम जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो हम बाहर ले मतलब हाँ वहाँ पर एक गांठ लगाना पड़ेगा, नीचे में जाके एक गांठ लगाना पड़ेगा ताकि आपका सिलाई बाद में खुल ना जाए। तो हम सेकंड पेटल स्टार्ट करेंगे उसी हिसाब से जो हमने फर्स्ट स्टिच जैसे हमने स्टार्ट किया, उसी के बाद सेकंड स्टिच, थर्ड स्टिच, ऐसा करके हम लोग ये सिलाई आगे बढ़ाते जाएंगे। आप देखते रहिए, ये सेकंड पेटल भी ख़त्म होने को है, हम बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ, अब मैं थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ, कैमरा के पास लेके जा रही हूँ, आप देखिए। देखिए ये पूरा ख़त्म हो गया है, हम सुई को नीचे की तरफ खींचेंगे, ये पूरा हो गया है, मेरा फर्स्ट वाला फ्लावर हो गया है। फिर हम सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। मैंने तीन फ्लावर ऐसे ड्रॉ की है, मिडिल वन हो गया है, तो ये अभी सेकंड का बाकी है। सेम ही प्रोसेस है, आप पहले सेंटर जो पार्ट है उसको आप स्टार्ट कर लीजिए,
उसके बाद पेटल्स की तरह जाइए और पूरा इक्वल साइज़ में रखिएगा। आप जो चेन्स आप बनाएंगे वो पूरा इक्वल साइज़ में रखिएगा और पूरा आप जो निशान आपने लगाया है उसे निशान को आप ध्यान में रख के आगे जाइए, ठीक है ना। देखिए हम ये मेरा दूसरा ख़त्म हो गया। तीन मैंने फ्लावर ड्रॉ की है उसका तीन नंबर वाला ये है। तो हाँ ये देखिए ये भी ख़त्म होने को है। बस इसी हिसाब से आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात मैं फिर बताना चाहूँगी, जब आप एज अ बिगिनर जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप एक कॉटन वाले एक मतलब कॉटन एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ ही आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि कॉटन के ऊपर अच्छा लगता है और मतलब ये मतलब सिलाई अच्छा आता है। और थोड़ा मोटा साइज़ का आप धागा यूज़ करिएगा ताकि इजीली वो मतलब जो हम लोग DMC और जो हम जो ऐसे सिंथेटिक थ्रेड्स यूज़ करते हैं वो मतलब उसका जो मतलब जो स्ट्रेंथनिंग जो वो आपका कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होता है, वो इजीली ब्रेकेबल होता है। तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि जो आपको वूलन जो धागा मिलता है जो 1-ply 0-ply ऐसा वूल्स मिलता है मार्केट में वो आप सिलाई के लिए यूज़ करिए। एज अ बिगिनर आप यूज़ कर सकते हैं, बाद में जब आपको एक्सपर्टीज मिलेंगे तब आप हर तरह का आप धागा यूज़ कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ाते रहेंगे हमारी सिलाई को। हो गया है नीचे की तरफ फिर से लेके गई और ऐसे ही आप सब जैसे आपने स्टार्टिंग किया है उसे फर्स्ट चेन के बाद सेकंड चेन, सेकंड के बाद थर्ड और सभी इक्वल साइज़ में ऐसे आप बनाते जाइए, ठीक है। ऐसे मैंने तीन फ्लावर्स ख़त्म कर ली है। और एक बात बता देती हूँ, अभी जो आपका वो सेंटर वाला पोर्शन अभी बाउंड्री हो गया है, जो सेंटर वाला पोर्शन है वो आप फिलअप कर सकते हैं सेम ही चेन स्टिच लगा के, तब ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा और आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट भी लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा। मतलब ऐसे जो भी चेन मैंने अभी आपको सिखाई उसी हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा अंदर वाला पोर्शन। और जो लीव्स है मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई है, जो लीव्स है आप देखिए, लीव्स बड़ा वाला छोटा वाला बहुत सारा लीव्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो सभी के लिए मैं अलग अलग स्टिचेस अप्लाई करूँगी और नेक्स्ट जो वीडियोस है वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये छोटा वाला जो लीव्स है उसके लिए मैंने कौन सा स्टिच प्लान की है, स्टेम्स के लिए मैंने कौन सा स्टिच यूज़ की है, वो जो बीच वाला पोर्शन है वो फ्लावर स्टेम्स है, और ये जो बड़ा वाला पत्ता है उसके लिए मैंने कौन सा स्टिच प्लान की है। अलग अलग स्टिचेस अलग अलग मतलब आपका पैटर्न के लिए है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगे और आपको ईजीली